104 साल मारे बाबे ने इधर दुकान की है, 75 साल मारे बाबे की है, 29 साल मैंने की है, अभी 29 साल हो गए हैं। रियल पाकिस्तान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपका मेजबान ज़ीशान अलवानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। रोड सुल्तान में आज एक ऐसी दुकान पर मौजूद हूँ जो 104 साल पुरानी दुकान है और ये चलती फिरती दुकान मुख्तलिफ शहरों में जाकर जो है बाबे आरिफ का फलूदा जो है बहुत ही मशहूर है और मुख्तलिफ शहरों में जाकर ये अपना फलूदा बेचते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या खास बात है कि लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। चलते हैं इस दुकान के मालिक से बात करते हैं। ये बताइएगा कि 104 साल पुरानी दुकान है जी, जी कितने लोग काम करते हैं और पहले कौन काम करता था? पहले हमारे वाले साहब काम करते थे, बाबा आरिफ फलूदे वाला। तो उसके बाद हमारे वाले साहब फौत हो गए, हमने काम शुरू किया। नाल हमारे बेटे थे, बेटे हैं, चार बेटे हैं हमारे, माशाल्लाह उन्होंने काम संभाल लिया, मेरा उन्हें साथ दिया। तो अभी तक काम चल रहा है, बड़ा अच्छा काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह चलता रहेगा। अच्छा बताइए कि अमूमन होता है कि 104 साल पुरानी दुकान है आपकी, बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो जो है नुकसान में चले जाते हैं तो वो छोड़ जाते हैं, 104 साल पुरानी दुकान कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये बात ये है बेटा, हम अच्छी चीज़ बेचते हैं, अच्छा सौदा बेचते हैं। हमारे बाबे का नाम है, 104 साल हमारे बाबे ने इधर दुकान की है, 75 साल हमारे बाबे की है, 29 साल मैंने की है, अभी 29 साल हो गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद सबसे बेहतर चीज़ ये है, अल्लाह के सदके हमारा काम चलता है। क्यों? हमारे में बेईमानी नहीं है, हराम नहीं खाते, हक ला के खाते हैं हम। जो लोग सुन रहे हैं तो हलाल की खाओ, हराम की ना खाओ। अच्छा बाबू जी बताइएगा कि 104 साल पुरानी दुकान है आपकी, कहा जाता है कि आप मुख्तलिफ शहरों में जो है ये आप लोगों की खिदमत में पेश भी रहते हैं, कौन कौन से शहर हैं? हमने लाहौर किया है, लाहौर चार पांच मेले हैं, आरा बाजार है, पीर नसीर है, को नूर शाह है और त्रिडे वाली है, ऐसे चार पांच मेले लाहौर में करते हैं। जितना मज़ा इधर आता है और किसी मेले पर नहीं आता। क्यों? सारा सेब जितने लोग सब हमारे को जानते हैं, हमारे बाबा ने इधर बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। अच्छा हम जब इंटर होते हैं दरबार में जी, तो गेट पर जो है नाम लिखा हुआ है बाबे आरिफ का जी, जी इसका क्या सीन है? ये पीरों ने बोला था, पीर साहब बड़े अच्छे हैं, उच्च शरीफ वाले बहुत अच्छे हैं, उन्हें बाबा अपनी खुशी में कोई दरबार का काम कर दे। हमारे बाबा ने जो गेट बनाया, गेट बना दिया दरबार का, तो उन्होंने अपनी खुशी के साथ उन्होंने लिखा दिया नाम हमारे बाबे का, जिधर के हम पहले रहने वाले थे, आर वाला जिला साहिवाल का, उन्होंने अपनी खुशी से नाम लिखा दिया है। तो बाबे से पूछते रहे कितने पैसे लगे हैं, हमने नहीं बताया, जब बता दिया तो बाकी क्या रह गया, अब खुशी से लगाया है। इसलिए अभी तक उनकी याद जिंदा, अभी याद जिंदा उनकी, लोग याद करते हैं भी हाँ भी वाकई बाबे ने यह काम कराया। ते जो बुजुर्गों देते हैं हमारे को, जिसके दर पे बैठे हैं ते अल्लाह देता है। ते बताइएगा कि ये सारे जो हैं एक ही फैमिली के लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं? नहीं जी, ये अलग अलग के हैं। हमारे साथ अभी मेरा बेटा है। अच्छा। वो हमारा साथदार है, तो इंशाल्लाह जो मेला होता है हम दूसरे बेटे को बुला लेते हैं। बाकी हम लोग बड़े शौक से आपका जो है फलूदा खाने के लिए आते हैं, ये बताइएगा कि क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? ये हम दूध लेते हैं अच्छे वाला, अगर बोलता है ना 70 रुपये है, हम बोलते हैं हम देगा 80 रुपये, ये 80 बोलता है हम बोलते हैं देगा, हम देगा 90 रुपये। अगर हलाल का वाला काम करो, हराम वाला काम ना करो, हमारे को अच्छा दूध दो तो खाने में मज़ा आता है। हम रबड़ी खोया बनाते हैं इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी नाल, ऐसे दुकान नहीं चलती। एक साल गलत करेंगे काम, दूसरे साल लोग बोलेंगे ये क्या बनाया इसने, इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी ना। सखी के दर पर बैठे हैं, तो हमारी इधर बहुत मन्नतें पूरी हुई हैं इधर बाबे, बाबा रोडू सुल्तान साड़ी वाली सरकार। यहाँ पर बहुत सारी अभी आप जाते हैं मोस्ट ऑफ जगहों पर,
वहाँ पर और भी फलूदे वाले होते हैं, आपकी क्या खास बात है कि लोग आपकी तरफ ही आते हैं? खास बात ये है, मैंने आपको पहले बताया है, हम हराम नहीं खाते, अच्छा सौदा बेचते हैं, किसी पैसे को कम भी दे जाता है हम फिर भी रख लेते हैं। ये हमारे बाबे ने बताया था, बेटा गलत चीज़ नहीं बेचनी है। तो उनको लोगों को पता है, चाहे 10 दुकानें भी आ जाएं, उनको पता है नहीं फलूदा हमने खाना बाबे 8वीं दुकान पे खाना है, इसी पे खाना और किसी पे नहीं खाना। क्यों? हम हक हलाल ही खाते हैं, हम लोगों को बोलते हैं हक हलाल खाओ, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा इंशाल्लाह। एक एक जो प्याला होता है उसका रेट क्या है? कोई बच्चा भी आ जाता है 20 रुपये ले कर जाता है, कोई 10 रुपये भी ले कर जाता है। जब बच्चे को पैसे ही इतने मिलने हैं तो हम उसको बोलें नहीं 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 देगा हम नहीं, कोई 50 वाला भी आता है, कोई 100 वाला भी आ जाता है, पर बच्चों को दिल रखना पड़ता है, उनको देना पड़ता है। तो सबसे खूबी है वे खार मारे भी बच्चे हैं, मारे बच्चे हैं तो फिर उनको भी मिलने 10-20 रुपये मिलने हैं, उसके अलावा और मिलने नहीं, बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाजीन, आप पे गुफ्तगु सुनिए। इनका कहना है कि यहाँ पर जो है बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में जो है फलूदा बेचा जाता है और यहाँ पर जो है लोग बड़े शौक से यहाँ पर जो है फलूदा खाने आते हैं। नाजीन, इस तक प्रोग्राम हम लाते रहेंगे अपने मेज़बान ज़ीशान अलवानी को। रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।